हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। तो आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी का, हमारा टॉपिक है जो बिना बोझ के शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन, या जैसे बस्ता होता है बच्चों का उसके बोझ के बिना शिक्षा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये यशपाल समिति की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार ये निर्धारित किया गया कि स्कूलों में बच्चे होते हैं उनका भारी बस्ता नहीं होना चाहिए, भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है। इसके बारे में यशपाल समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अपनी, इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम जिक्र करेंगे जिसका इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने सीटेट, केवीएस, DSSS, BPRT, TGTPGT या अदर स्टेट के टैट होते जैसे UPTET, STET या रीट के लिए अप्लाई किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे चैनल पर साइकोलॉजी, पैडागोजी और टीचिंग मेथड हैं जितने भी, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो जिसका शीर्षक है बिना बोझ के शिक्षा। तो यशपाल थे, प्रोफेसर यशपाल, उन्होंने अपनी उसकी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1992-93 में। इस समिति के प्रमुख प्रोफेसर यशपाल थे, इन्होंने कहा कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, बस बच्चों को प्राइमरी स्तर और माध्यमिक स्तर पर बस्ते का बोझ हल्का करने के लिए इन्होंने विशेष सुझाव दिए। और इस समिति ने 15 जुलाई 1993 को MHRD को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। MHRD क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है, जो उसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया, जो प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। बच्चों को जैसे ग्रुप एक्टिविटी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, कक्षा में ग्रुप एक्टिविटी कराई जाए, पाठ्य पुस्तकें जिला स्तर पर तैयार हों, पाठ्य पुस्तकें सभी हैं जो हमारी वो जिला स्तर पर तैयार होनी चाहिए, विद्यालय के सभी स्तरों पर समितियों के गठन पर जोर दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विद्यालय के जो सभी स्तर हैं जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, या जैसे टीचर पेरेंट्स मीटिंग है उसके लिए समितियों का गठन करना, या जैसे स्कूल के अंदर व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्था जैसे बिजली की व्यवस्था, उसको चेक करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर समिति का गठन करने पर जोर दिया। और एक इन्होंने विशेष रूप से कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षित छात्र अनुपात है 1:40, उसको कम करके 1:30 करने के पर इन्होंने विशेष जोर दिया। और मान लिया जाए यदि किसी कक्षा में 44 स्टूडेंट है, उनके लिए 3 अध्यापक की जरूरत है। यदि 61 स्टूडेंट है, 61 स्टूडेंट है, फिर भी उनके लिए 3 अध्यापक होने चाहिए। एक बच्चे को एडजस्ट नहीं करना है हमें, उसके लिए अलग से अध्यापक। इसका मतलब यह नहीं कि 61 एक बच्चे के लिए एक अध्यापक होगा, अलग से 60 बच्चों के लिए 2 अध्यापक। जैसे एक कक्षा में, प्रथम कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, दूसरी में 15 है, तीसरी में 20 है, फिर चौथी और पांचवी में थोड़े एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार 61 स्टूडेंट हैं तो प्राथमिक स्तर पर एक स्कूल में तो 61 बच्चों के लिए 3 अध्यापकों की अब व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा एक और मुख्य बिंदु इनका यह था कि मैथ को रटना नहीं, बच्चों को समझाना है, बच्चों को मैथ रटवाना नहीं है, समझाना है। और एक और इन्होंने कहा कि भाषा को भावी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, भाषा की शिक्षा बच्चों के भावी जीवन में काम आए इससे जोड़कर उसे पढ़ाना है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें नहीं, प्राथमिक स्तर पर इन्होंने विज्ञान की पुस्तकें न रखने पर जोर दिया, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे इतने कुशल नहीं होते कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकें, या विज्ञान के प्रयोगों को समझ के उनका उनके लिए इस प्रकार के उपकरणों का संचालन करना, वैज्ञानिक उपकरणों का मतलब उस प्रकार से कुशल नहीं होते हुए, इसलिए उन्होंने विज्ञान की पुस्तकें नहीं रखने पर जोर दिया प्राथमिक स्तर पर। और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास कक्षा 6 से 8 में शामिल किया जाए प्राथमिक स्तर पर, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास शामिल न किया जाए, इस पर इन्होंने जोर दिया। तो ये हमने पढ़ा यशपाल समिति की रिपोर्ट थी 1992-93 की, इन्होंने बिना बोझ की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने 15 जुलाई 1993 को MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने इसमें प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया, इनमें से मुख्य बिंदु यह था एक कि
शिक्षक छात्र अनुपात हो एक अनुपात 40 से घटाकर 1:30 किया जाए, ये इनका मेन पॉइंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमारे टीचर एग्जाम में, और ये इन्होंने प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। तो ये दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।